नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे एंड आई एम योर मेंटोर शिवांश बसी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स बढ़िया अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी की पूरी की पूरी एनालिसिस विद ऑप्शन स्ट्राटेजी जो ये मार्च की एक्सपायरी होने वाली है उसकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे यहाँ पर आपको वीडियो शो कर जाएगी आई लिंक पे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा और आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं सो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने लिख रखा है कि ऑप्शन स्ट्राटेजीज तो आप वहाँ पर जाके उसको भी जाके चेक कर सकते हैं तो वहां पर मैंने एक पोल रखा है कि अगर थाउजेंड लाइक्स आते हैं सो डेफिनेटली मेक अ स्टॉक रिलेटेड ऑप्शन स्ट्रेटजीज एज वेल ऑन थ्री टू डे बेसिस ठीक है सो so आप लोग जाके चेक करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो मुझे जरूर बताइएगा एंड इस वीडियो में हम लोग क्या रखते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइव स्टॉक्स ही बताऊंगा क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की पूरी एनालिसिस मैंने उसी वीडियो में कवर कर लिया है ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चेक करते हैं कि कौन से हैं जो कल में अच्छा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज कौन से हैं वो मैं आप लोगों बताना चाहूंगा तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों लेकर आया हूं, वो है बंधन बैंक बंधन बैंक आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को कल भी रिकमेंड करा था बंधन बैंक बाय करने के लिए और आज भी इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दिया अगर मैं बात करूं तो आप लोग तो इसे कल भी बाय करके चल सकते हैं एंड आई पर्सनली थिंक कि ये बहुत बढ़िया रिटर्न्स आने वाले टाइम पे दे सकते हैं बिकॉज इट्स कंटिन्यूअसली मेकिंग फ्रॉम इट्स बॉटम हायर हाइज एंड हायर लॉस तो चलिए चेक करते हैं ओके okay? तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि कल मैंने बंधन बैंक आप लोगों को रिकमेंड करा था इस कैंडल पे भी कि आप लोग बाय करके चल सकते हैं बिकॉज इट्स कंटिन्यूसली मेकिंग हायर हाइस एंड हायर लोस अब इसने ये इसने तीन कैंडल्स रेगुलर फॉर्म कर दिए हैं सो तो हम लोग एक हॉल्ट कैंडल देख सकते हैं बट अगर कल एक हॉल्ट कैंडल बनती है और अगर हमारे बाय लेवल पे नहीं आता तो तब भी आप इसे वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं क्या कर सकता है थोड़ी सी डिप देगा दोबारा बाउंस कर सकता है ठीक है हायर हाइज एंड हायर लोस का मतलब ये होता है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है उसके बाद दोबारा नीचे आता है प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता और दोबारा ऊपर जाता है सो so अगर ये ऊपर जा रहा है वी हैव टू वेट हम वेट करेंगे कि थोड़ा सा नीचे आए नीचे हमें रिवर्सल दिखेगा कुछ इस टाइप का कुछ इस टाइप का वी कैन गो फॉर अ बाय और हम लोगों को वहां पर स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं तो यहाँ पर अभी के लिए हमारे लिए बाय है करंट प्राइस की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो करंट प्राइस जो चल रहा है इसका 364.65 चल रहा है ओके सो आई थिंक थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव के ऊपर बाय बना सकते हैं एक रुपए ऊपर हमें पता चल जाएगा अगर सस्टेन कर रहा होगा ओके okay? तो थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव के ऊपर बाय बना सकते हैं एंड आई थिंक थ्री सेवेंटी या थ्री सिक्सटी नाइन तक आराम से जा सकता है तो इसको आपको वॉचलिस्ट के अंदर रखेगा एंड आई पर्सनली थिंक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं दोबारा एक्टिव हो रहा हूँ अपने फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट वाले टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पर मैं आप लोगों को पूरे के पूरे लेवल्स प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस लेवल पे एग्जिट करना है क्या टारगेट है क्या स्टॉप लॉस है कौन से स्टॉक्स हैं सारा कुछ बता दिया जाएगा लाइव मार्केट पर भी थोड़े बहुत अपडेट्स में देना स्टार्ट कर दूंगा सो so, आपको डिस्क्रिप्शन पर नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का आप जाके फॉलो कर सकते हैं प्लस इंस्टाग्राम पर भी आप जाके हमें फ़ॉलो कर सकते हैं वहाँ पर का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा ओके okay, तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट स्टॉक इज पॉलीकैब पॉलीकैब पॉली कैब तो मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि एक मेरे इन्वेस्टमेंट स्टॉक है एंड आई एम स्टिल होल्डिंग यस सो लेट मी टेल यू अबाउट पॉली कैब एज वेल बहुत बढ़िया स्टॉक कर रही है ओके या सो पॉली कैब ओपन हो चुका है एंड आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक रेंज के अंदर था फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग यहां पर एक इनडिसाइसिव मूव्स देख रहे थे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर डेली कैंडल है हर एक कैंडल डेली है तो आप लोग कंफ्यूज हो होंगे कि किस तरीके की कैंडल बन रही है एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर डेफिनेट है कि ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और नीचे जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है सो लेट मी मेक अ ट्रेंड लाइन दिस इज द ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर जाने में से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है एंड आई पर्सनली थिंक कि यहाँ से एक महीना हो चुका है ये कैंडल्स बने हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है एंड इस रेंज के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है सो so, यह एक परफेक्ट सेटअप है अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है सो आई पर्सनली थिंक यहां से तीस रुपए तक की भी मूवमेंट इंटरा के अंदर मिल सकती है तो स्टॉक को वॉच करिएगा अगर ये इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो प्रॉबेबली एक रैली इसकी दोबारा स्टार्ट हो सकती है ठीक है तो स्टॉक को वॉच करेगा लेवल्स में टेलीग्राम पर बता दूंगा यू कैन फॉलो अस लिंक नीचे है ओके लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक दैट इज nit limited आई टी लिमिटेड ओके एन आई भी मैं बाय करने की ही आपको सलाह दे रहा हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरीके का पैटर्न बनाए ओके okay. यहां पर भी एक पैटर्न बनाए एक हार्मोनिक पैटर्न बनाए लेट मी ड्रॉ लेट मी क्लियर एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हमको ना ड्रॉ फिबोनाची फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप अब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं जो एक रिवर्सल हमें देखने को मिला है जो कि मैं बताता हूं आप लोगों को एक क्लियर रिवर्सल वी कैन फाइंड एट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल दैट इज द 78.6 परसेंट फेबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो ठीक है एंड ये एक साइफर पैटर्न बना है यहां पर हम लोग एक बाय करके चल सकते हैं एंड लेट मी टेल यू अबाउट द टारगेट एज वेल मैं टारगेट आपको बता देता हूं एक बार यस yes.

ठीक है तो इस स्टॉक को भी आप लोग वॉच करके कर चल सकते हैं अगर कल मुझे एक हल्की सी भी अपसाइड दिखती है कि मतलब ये अगर वन सिक्स वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव के ऊपर भी जाना स्टार्ट करता है आई एम गोना बाय दिस स्टॉक एंड आई एम गोना होल्ड दिस फॉर अ स्विंग ट्रेड आई थिंक इट कैन गिव अ वेरी गुड मूवमेंट और बढ़िया रिटर्न भी दे सकता है तो इस स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करके चलेगा इंटर की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स गो टू वन आर टाइम फ्रेम एंड वन आर टाइम फ्रेम के अंदर वट आई एम सीइंग लेट मी टेल यू ठीक है आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की मूव आई है उसके बाद अब नीचे कंसोलिडेट कर रहा है सो so, कंसोलिडेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं एक रेंज क्रिएट कर सकते हैं ठीक है आई थिंक ये एक अपसाइड की मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया बिकॉज हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पे बाय करना है नीचे जितना आएगा वी डोंट हैव टू ट्रेड ओके सो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का कल ब्रेकआउट देता हूं ना अर्ली कैंडल पे आपको क्या करना है ब्रेकआउट आपने देखा यू हैव टू गो टू फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम आप फिफ्टीन मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड इसका ब्रेकआउट की क्लोजिंग होती है फिफ्टीन मिनट्स की यू कैन गो फॉर अ बाय ओके okay, आप बाय के लिए जा सकते हैं एंड वी लेवल है 156.5 का लेवल सो आई थिंक आपको अच्छे रिजल्ट्स इस पे भी मिल सकते हैं चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक दैट इज टोरेंट फार्मा ठीक है टोरेंट फार्मा के अगर हम लोग बात करें जस्ट वेट अ सेकंड आई थिंक यस टोरेंट फार्मा में लेट ओपन अ डेली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम पे आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके का एक सिंपल पैटर्न फॉर्म है एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था देखिएगा ये टॉप्स को ज्वाइन करते हुए मैंने एक ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करा इट गेव अ ब्रेकआउट ब्रेकआउट देने के बाद एग्जैक्ट इसने फर्स्ट टाइम ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करा एंड सेकेंड टाइम आज इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करा है ठीक है सॉरी तीन दिन पहले अब यहां से कंटिन्यूसली थ्री वेव्स के ऊपर कैंडल बना रहा है बट यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि हम लोगों को फेस करने को मिल रहा है ठीक है सो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू वेट अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है जो कि लेवल मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा टारगेट्स आई थिंक इस रेंज के आसपास अभी हो सकते हैं बट अगर इन फ्यूचर इवेंचुअली अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है ये अपने इस लेवल तक पहुंच सकता है मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेट मी टेल यू कितना ये प्रॉफिट दे सकता है आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेवन टू एट परसेंट का प्रॉफिट दे सकता है अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो टू हंड्रेड पॉइंट तक की रैली भी प्रोवाइड करवा सकता है गाइस सो यू हैव टू वेट फॉर द वेरी गुड कंफर्मेशन ये नहीं कि अभी आपको सस्ता मिल रहा है तो मैं अभी के अभी बाय कर लेता हूं ये गलती कभी नहीं करी जाती है जब तक एक परफेक्ट एंट्री आपके सामने प्रेजेंट नहीं होती है ठीक है तो इसके लेवल्स आपको बता दी जाएंगे आ लास्ट स्टॉक इज ए पी एपीएल लिमिटेड एलंबिक फार्मा क्लियरली पर आपको दिख रहा होगा इट फॉर्म एंड डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो और आई कैन से डबल बॉटम सिनेरियो बनाया आप देख सकते हैं कि एक सिंपल डिमांड जोन देखिए जो भी एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं बिल्कुल सिंपल वे में करता हूं कि यू कैन ड्रॉ इट वेरी इजिल और आपको अंडरस्टैंडेबल भी हो ठीक है तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर एक कंसोल्टेशन हुआ सेकेंड टाइम कंसोलिडेशन थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम एंड इट फॉर्म अ डबल बॉटम टाइप सीनैरियो ठीक है एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को डबल बॉटम टाइप सीनैरियो बनाया उसके बाद अगर मैं आर एस आई आपको दिखाता हूँ लेट मी रिमूव द वॉल्यूम फर्स्ट एंड लेट मी इंक्रीज द आर एस आई अगर आप चेक करेंगे तो आर एस आई आप क्लियरली देख सकते हैं कि डायवर्जेंस देखने को मिल रहा है कि आर एस आई ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक की और हाई लेवल्स पर भी जा सकता है ठीक है अब आपको यहां पर एक चीज को फॉलो करके रखना है कि इस लेवल के ऊपर कभी भी ज्यादातर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है ठीक है बहुत टाइम से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है लेट मी ड्रॉ द लेवल फॉर यू एज वेल यस, दिस इज द लेवल इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है जो कि अराउंड आ रहा है नाइन थर्टी सेवन नाइन थर्टी एट का सो so, एक सेफ प्राइस ले लेते लेते नाइन फोर्टी के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है सो द ने टारगेट शुड बी अराउंड रुपीज नाइन एटी टू नाइन थाउजेंड ट्वेंटी का ठीक है सो लेट मी टेल यू क्लियरली अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है आर फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस एंड प्रोबेबली आर सेकेंड टारगेट शुड बी दिस ठीक है सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतने परसेंट का आपको रिटर्न यहां पर मिल सकता है सो so क्लियरली इस बेसिस पे भी आप इसे ट्रेड कर सकते हैं इंटरडे भी बता दिए मैंने आपको कुछ स्विंग ट्रेड्स भी बता दिए नाउ इट्स योर डिसीजन टू मेक आप इंटरडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं तो चलिए मैं इसी वीडियो को एंड करता हूँ डोंट फोगेट टू वॉच दैट वीडियो ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत बढ़िया है आपको डेफिनेटली मार्च uh, uh, की एक्सपायरी में कुछ बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ आई होप आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए दिन में दो वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूं मेरा टाइम फ्री एक अप्रैल से हो जाएगा उसके बाद मेरा पूरा डेडिकेशन होगा यूट्यूब के थ्रू और आप लोगों के लिए सो so डेफिनेटली हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो पे तब तक के लिए मैं शिवांश बसीन साइनिंग ऑफ